और मम्मी तेरी कसम, मम्मी जी आपकी कसम, पर मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, ना सताना आज पढ़ने नहीं हमको जाना। ओ मम्मी तेरी कसम, पापा मूर्खानंद की होगी सदाई। ओ इनके घर से खबर ये तो आई, आज मूर्खा की होगी सगाई। मेरे घर से खबर ये तो आई, मूर्खानंद की होगी सगाई। बनके भरना जी हम चढ़के चोरी पैदम चले जाना, आज पढ़ने नहीं हमको जाना। मेरी मम्मी ने पेंट सिलाया, मेरे पापा को गुस्सा आया। मेरी मम्मी ने पेंट सिलाया, इनके पापा को गुस्सा आया। वो कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं आवारा, आज पढ़ने नहीं हमको जाना। वो मम्मी तेरी कसम पापा, ये विद्यार्थी चलिए, भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए, भगवान करे मास्टर मेरा बीमार, और कल से मंगलवार भी इतवार हो जाए, कल से मंगलवार भी इतवार हो जाए। मेरे कहने से इस वीडियो वाले को लग जाए 6 महीने की फांसी। इनको फांसी क्यों लग जाए भाई, इनने क्या जुल्म किया है? इन्होंने ये जुल्म किया है, हम लोग वृंदावन वासी परदेसी फकीर, और ये लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारा ना बनाए क्यों? मेरे कहने ये वीडियो बनाएंगे, मैं इनको फांसी जरूर चढ़ाऊंगा। तुलाचंद शाहजी रमा टोली 15 रुपए दान दिए, भगवान सदाई खुश रखे। मेरे कहने से इस वीडियो वाले को लग जाए 6 महीने की फांसी, और कल से मेरा काम थानेदार हो जाए, कल से मेरा काम थानेदार हो जाए। पाठशाला आ गई है तो गुरु जी से जाकर के बोल दो। क्या बोले? आई एम प्रिंसिपल साहब पधार चुके हैं। आई एम प्रिंसिपल साहब, कुर्सी खाली कर दे, चेयर चाहिए जल्दी से। गुरु जी की जय हो। क्या समाचार लेकर के आए हो भाई? गुरु जी मूर्खानंद आ गया और बोल रहा है कि गुरु जी को बुला करके लाओ स्वागत के लिए। ओहो आने दीजिए मूर्खानंद जी, हम ही चले। आपका स्वागत के लिए कुर्सी खाली है, चेयर खाली है, चेयर खाली है। गुरु जी रंग साहब, हाँ जी, संजीत कुमार, डीजे यादव, टोला राजा पाकर, उनकी तरफ से 20 रुपए का दान आया है। चलिए चलिए चलिए। गुजूरी महाराज के चरण के खड़ामों में आर्या कुमारी, उनकी तरफ से 20 रुपए का दान आया है। बोलो जल्दी बोलो, देरी ना लगा। और सूरज कुमार, उनकी तरफ से 51 रुपए का दान आया है, भगवान की लीला में। अरे
हाँ जी मूर्खानंद जी, हुजूरी महाराज के चरण के खड़ामू में मोदाज बुद्धि प्रकाश की ये डंडा मारू सुई पार हो। मूर्खानंद जी, गुरु जी, तुमको हमारी पाठशाला में पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो चुके हैं? मुझे 18 कम 20 साल हो गए हैं। 18 कम 20 साल। फिर भी अभी दंडवत प्रणाम करना नहीं आया तुमको? गुरु जी आपने बताया नहीं, मुझ पे आया नहीं। हमने बताया नहीं जी जी। दोनों हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ लिया, दोनों पैर मिलाइए, मिला लिया, सावधान खड़े होजिए, बिल्कुल बोलिए गुरु जी महाराज के, गुरु जी महाराज के चरण कमलों में क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप, मैंने सुना नहीं। गुरु जी महाराज के चरण कमलों में, गुरु जी महाराज के, गुरु जी बोलो, चरण, हाँ गुरु जी, चरण किसको कहते हैं? अरे मूर्ख, चरण पैरों से कहते हैं। इनसे ये पैर है ये? हाँ हाँ, ये मेरे पैर है ये। हाँ गुरु जी। हाँ जी, ये पैर है या ये? ये तुम्हारे पैर हैं, हमारे चरण हैं। यानी मेरे पैर हैं और वो आप वाले वो चरण हैं? जी हाँ, गुरुजी महाराज के चरण कमलों में। ये बताइए, हाँ, इन पैरों में और उन पैरों में क्या फर्क है? इन पैरों में और इन पैरों में ये फर्क है कि तुम हमारे शिष्य हो। अरे मूर्ख, तुम हमारे शिष्य हो, हम तुम्हारे गुरु हैं। तो गुरु लोगों के चरण होते हैं और शिष्य लोगों के पैर होते हैं, यही फर्क है। तो गुरु जी मैं इनको भैंसों के खुर बोलता हूँ। सभी भक्तजन भगवान की आरती का स्वागत करेंगे। मम्मी आई है तुम्हारी? पापा, बोलिए गुरुजी महाराज के चरण कमलों में बांधे से। गुरुजी, हाँ, इसको बांधना नहीं आता, मेरी मम्मी ने बांधा है, आप बांधे। मम्मी भी तो तुम्हारी यही आई है। बोलिए चरण कमलों में, चरण कमलों में, कमलों में मोदास मूर्खानंद की दंडवत स्वीकार हो। मोदास बुद्धि प्रकाश की छोटी सुई नहीं बड़ी सुई पार हो। किसमें सुई पार कर रहे हो? आप ही तो कह रहे हैं सुई पार की, तो नहीं बोल रहे हैं हम तो। दंडवत, दंडवत स्वीकार हो, सुई कार हो, बड़ी वाली कार या छोटी? पंत्र चंद्र हो। बोलिए दंडवत स्वीकार हो, प्रसन्न रहो। हम कोई आशीर्वाद दे रहे हो? जो दंडवत करेगा तो उसके लिए क्या देंगे आशीर्वाद? ही बोलिए दंडवत, दंडवत स्वीकार हो, स्वीकार हो,
हो, दंडवत स्वीकार हो, कार हो, दंडवत स्वीकार हो, दंडवत स्वीकार हो। आ गया ना? आ गया, मार के मारे आ गया। मूर्खानंद गुरुजी, पाठशाला में इतने लेट क्यों आए हो? लेट? हाँ गुरुजी, मैं लेट के कभी नहीं आता हूँ, पाठशाला आता हूँ तो मैं खड़ा खड़ा आता हूँ। लेट के नहीं, खड़े। इतनी देरी से क्यों आए हो? देरी का कारण, हाँ गुरुजी, आज हमारे घर तीन मेहमान आए थे। तीन मेहमान मेहमान आए थे जी गुरुजी। वो कौन कौन थे मेहमान? तो यहाँ सभी के यहाँ आ रहे हैं। मेरे यहाँ भी स्पेशल आए थे। वो कौन कौन आए थे? एक तो मेरी मम्मी के भाई आए हैं। अच्छा, मम्मी के भाई आए हैं ना? आए हैं कह रहे हैं, आए। अच्छा, फिर एक मेरे पिताजी के साले आए। अच्छा, एक हमारे मामा जी आए। एक हमारे मामा जी। ये तो एक ही आदमी हुआ, और तुम तीन आदमी बता रहे हो? मैंने गुरु जी तीन हुए। दोबारा से बताना। इसका मतलब आप गिनती नहीं जानते? नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो देखिए, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। पहले इनसे पूछिए कितने आदमी हुए हैं? जो भैया तीन हुए कि नहीं? कैसे कैसे भाई? तीन हुए ना, हुए ना। दोबारा से बताना। एक तो मेरी मम्मी के भाई, एक एक पिताजी के साले, दो एक मेरे मामा जी, तीन। अरे मूर्ख, ये आदमी एक हुआ, रिश्ते तीन हुए। कैसे? जब वो तुम्हारी मम्मी के भाई है तो वो तुम्हारे पिताजी के साले लगे, और जब वो तुम्हारे पिताजी के साले लगे वो तुम्हारे मामा जी लगे। गुरु जी एक बात बताइए। पूछिए। जो मेरी मम्मी के भाई है, हाँ हाँ, वो मेरे पिताजी के भाई हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना? नहीं, सही बात है। जब वो मेरे पिताजी के साले है, हाँ हाँ, तो क्या तुम्हारे मेरे सारे हो सकते हैं? मूर्खानंद, पिताजी के साले को ही साला बनाओगे? तो गुरु जी तीन मेहमान हुए, आप ही कह रहे हैं। अरे मूर्ख, आदमी एक हुआ, रिश्ते तीन हुए। अच्छा, रिश्ते तीन हुए? हाँ। तो गुरु जी, तो मामा तो आते ही रहते हैं? नहीं, आए तो थे, लेकिन बुलाए थे लंबा लंबा। लंबा लंबा गन्ना? ए, गन्ना नहीं, मूली। ये उल्लू के पट्टे मूली क्या होता है? गाजर? नहीं नहीं, गाजर तो कहीं नहीं, वो केले लाए हो। हाँ, केले केले केले। तो केले को खा करके पाठशाला में चला आता? गुरु जी मैं पाठशाला ही आ रहा था, फिर मेरी मम्मी ने और मामा जी को देख के तस्मई बनाना चालू कर दिया। अच्छा, खीर खीर खीर। हाँ हाँ, तो मेरी मम्मी ने उसको बना के और मामा जी को थाली में ठंडा होने के लिए खीर थाली में ठंडा कर दिया। अच्छा, खाने के लिए। बहुत सुंदर। मेरी मम्मी कुएं पे पानी भरने जा रही थी। हाँ हाँ, तो मुझसे बोली, बेटे मूर्खानंद, ये मामा जी का खीर जो है ये ठंडा हो रहा है, मैं कुएं से पानी लेके आती हूँ, तब तक उसका ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है मम्मी जी। मम्मी गई कुएं पे पानी भरने। हाँ। मेरे बाप का बेटा गुरुजी कुत्ता है। क्या कह रहा है? गुरुजी कुत्ता है। गुरुजी से कुत्ता कहता है? दीजिए गुरुजी इसमें और के कहेगा। गुरुजी कोई कुत्ता बना रहा है? नहीं नहीं गुरुजी, एक कुत्ता है तो कुत्ता। हाँ, ऐसा कहिए। ऐसे तो गुरु जी उस कुत्ते ने करीना धक और थाली में मुंह मार दो। हप हप, ओहो, झूठा कर दिया खीर को, झूठा कर दिया। अब कुत्ते ने उसको सफोड़ने लगा इस प्रकार से। अब कुत्ते मम्मी ने उसको देख लिया। अब मम्मी बोली, बेटा मूर्खानंद, कुत्ते की झूठी खीर को तेरे मामा जी तो खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो पंडित हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण, वो हम पंडित हैं इसलिए नहीं खाएंगे गुरु जी। हाँ हाँ। तो मेरी मम्मी बोली, बेटा मूर्खानंद, तू पाठशाला तो जाएगा। हाँ। लेकिन गुरु जी को जोर से नोच के आना। नोच के आना? मूर्खानंद, नोच के आना के निमंत्रण दे के आना? हाँ, वो निमंत्रण दे के आना। और मूर्ख उस कुत्ते की झूठी खीर को हम खाएंगे? गुरु जी देखिए, हम तो पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं। पंडित और ब्राह्मण में क्या फर्क है? यही तो फर्क है गुरु जी। क्या फर्क है? देखिए, पंडित जो है
वो कभी मरे गिरे का नहीं खाता है। अच्छा। और ब्राह्मण जो होता है वो लकड़ को भी हजम कर जाता है, पत्थर को भी हजम कर जाता है, मरे को भी हजम करता है, जिंदे को भी हजम करता है। इसलिए कुत्ते की झूठी चीज को आप ही हजम करें। हम कर्मकांडी ब्राह्मण है, तुमको पता है ना, कुत्ते की झूठी खीर को कौन खाएगा? नहीं, कौन सा पंडित खाएगा? कौन सा पंडित खाएगा? जी जी, पंडित खाने वो खाने वाले अलग होते हैं। आप नहीं खाते हैं? नहीं। अच्छा ठीक है। मूर्खानंद जी गुरुजी, तो मामा तो आते ही रहते हैं। फिर क्या हुआ? तो अब वो मेरी मम्मी और मेरे मामा जी चूल्हे की बगल में कुछ घुसड़ घुसड़ बतरा रहे थे। अरे दोनों बहन भाई हैं, बड़े दिनों बाद मिले होंगे, आपस में बातचीतें कर रहे होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, वो अपनी बातें नहीं कर रहे थे गुरुजी, मेरे बारे में सब रहे थे। क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि बहन जी अब हमारा मूर्खानंद बहुत बड़ा हो गया है, तो क्यों नहीं इसकी तो ले लेनी चाहिए। क्या ले लेनी चाहिए? जो आपकी लेते हैं। क्या लेते हैं? सबकी। वो आपकी भी तो ली थी। क्या ली थी हमारी? आपकी नहीं ली थी क्या? सगाई। हाँ सगाई, सगाई। मूर्खानंद जी गुरुजी घर पर बैठ करके सगाई की बातचीत सुनते रहते हो। वो मामा जी आए, पाठशाला का कोई ध्यान नहीं है तुम्हें, पढ़ने का कोई ध्यान नहीं है। जो कल तुम्हारे लिए हमने पाठ पढ़ाया था वो याद कर लिया? याद किया ना। सुनाइए। इतना तो मेरा दिमाग तेज है। जो संस्कृत में गुरु जी ने बताया था उसको? हाँ संस्कृत में जो बताया था। हाँ गुरु जी, चुसा चुसंतम चुसंतम, चुसा चुसंतम चुसंतम जी गुरु जी। अच्छा। चुसा चुसंतम चुसंतम लटकंतम ना खड़ंतम। बहुत सुंदर। लटकंतम खबंतम तो रेगड़ंतम ना खड़ंतम, रेगड़ंतम करंतम तो इंजेक्शन। बहुत अच्छे। मूर्खानंद जी गुरु जी, इसका हिंदी में अनुवाद करके इन सभी को बताइए, जो अभी आपने बोला है ये संस्कृत में बोला है। संस्कृत कीचड़ में था गुरु जी। संस्कृत कीचड़ नहीं, संस्कृत। अच्छा तो गुरु जी। हाँ अब इसका हिंदी में अनुवाद करो। हाँ हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ गुरु। हाँ, जी बताइए गुरु जी। गुरु जी जो गुरु जी गीदर थे, कभी कुत्ता बनाता है कभी गीदड़ बनाता है गुरु जी को। मूर्खानंद गुरु जी को ही गीदड़ बना रहा है? नहीं आप गीदड़ थोड़ी, गुरु जी दो गीदड़ थे, दो गीदड़ ऐसा कहिए। अच्छा, उन दोनों गीदड़ों में बड़ी गहरी मित्रता थी, दोस्ती थी। वो गन्ने के खेत में गन्ना चूसने के लिए जाया करते थे। ऊख के खेत में? ऊख के खेत में। अच्छा। तो एक दिन एक गीदड़ सोता हुआ रह गया, अकेला गीदड़ ऊख के खेत में चला गया। ठीक है। तो उसने सोचा ऊख के खेत ऊपर एक बेल जारे की कड़वी तोरई गई। अच्छा। तो उसमें फल लटका हुआ था कड़वी तोरई। तो गुरु जी उसने सोचा। क्या सोचा? कि ये गन्ने ये ऊख की जड़ इतना मीठा है, इसमें जो फल लगता है वो कितना मीठा होगा। सही बात है। उसने वो ऊख छोड़ के और उस कड़वी तोरे में मुंह मार दिया। हप। अच्छा। जैसे ही मुंह मारा तो उसको कड़वी लगी। ठीक है। कड़वी लगी तो अपना मुख उसने जमीन पर रगड़ दिया। हाँ। जो मेड़ की जो घास होती है, घास खेत की आरी पे, आरी पे घास जो होती है उसमें अपना मुख रगड़ दिया। अच्छा हुआ। वहां बैठे थे डॉक्टर राम। अरे मूर्ख जंगल में डॉक्टर साहब कहाँ से आ गए? वो मेरे बाप का बेटा बिच्छू। वो जंगल की डॉक्टर है? जंगल का डॉक्टर है वो। अच्छा। उसने सोई अपना डंक फिट कर दिया। बहुत सुंदर। तो जब कह रहा है दूसरा गीदड़ दूसरे गीदड़ से, क्या कह रहा है? कि चुसा चुसंतम चुसंतम, यानी चूसने वाली चीज है उसी को चूसना। चुसा चुसंतम चुसंतम लटकंतम ना खवंतम। बहुत सुंदर। अगर भूल से उस लटकने वाली चीज को खा भी ले तो अपने मुख को जमीन पर मत रगड़ना, जमीन पर रगड़ोगे तो डॉक्टर राम अपना इंजेक्शन फिट करेंगे। बहुत सुंदर। ये इसका भावार्थ हुआ गुरु जी। मूर्खानंद गुरु जी आज से तुमको हमने अपनी पाठशाला का मॉनिटर बना दिया है। झाड़ू लगाने वाले? झाड़ू लगाने वाले नहीं,
पीछे से पाठ पढ़ाने वाले। हाँ ये काम मेरा है। हमारी दूसरी पाठशाला का समय हो गया है, तुम पीछे से विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा देना। अवश्य पढ़ाऊंगा, आप जाइए। एक विशेष सूचना है, खड़े हो जाइए। 11:30 बजे गाड़ी स्टैंड बंद हो जाएगा। जिन भाइयों की गाड़ी है वो अपना अपना गाड़ी ले जाएं भैया। हेलो गाड़ी विद्यार्थी हो, सभी लाइन से खड़े हो जाइए और पाठ बोलिए। बताइए, एक दो गुरु जी को उठा के फेंक दो, बोलिए। पट्टी पर दाना। कल की छुट्टी परसों को आना, कल की छुट्टी है ही नहीं है। बोलिए पट्टी पर लड़ुआ। पंडितानी मर गए, पंडित जी है गए लड़ुआ। ये पाठ पढ़ा रहे हैं गुरु जी, बताइए। उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते हैं। चलिए उधर चलिए। मूर्खानंद कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे इनके लिए? उर्दू पढ़ा रहा था। अरे ये ब्राह्मण के बालक थे, इनको उर्दू पढ़ाने की क्या जरूरत है? इनको लंदन भेजना है। अरे इनको संस्कृत पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, अंग्रेजी पढ़ाते, लंदन में नहीं। उर्दू पढ़ा के क्या पाकिस्तान भेजोगे इनको? पाकिस्तान तो नहीं जाना है, लेकिन इनको लंदन जरूर जाना है। तुम मास्टर के काबिल नहीं हो, गेट कीपर के काबिल हो। जाओ डोरियों पर खड़े हो जाओ, ठीक है। हमारी पाठशाला में दो विद्यार्थियों का स्थान खाली है, यदि दो विद्यार्थी आए तो अंदर हमारे पास में खबर करना। जरूर करूंगा, ठीक है, जाता हूँ। चली सुधामा पढ़ने को गुरु सांदीपन पार, अरे भैया कोई है? अरे भैया यहाँ कोई है? अरे लंच को बाद में कर लेना, पहले यहाँ कोई है? अरे मुर्गानंद जी इनकी भी सुनो, ये आए हैं। टोपा लाइए, कहाँ चुरा के ले जा रहे हैं? चोरी भी करते हैं आप लोग, राका खा करते हो करते। मेरे बात कर रहे डोंगे को बच्चे। हाँ जी, ओ बोलिए। मेरे बाप के बेटे कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को ले दे जाएंगे, हैं? तो मुझे ही उठा के ले चलो। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? अरे भैया, हाँ क्या गुरु जी का विद्यालय यही है? विद्यालय? ये विद्यालय विद्यालय कुछ नहीं है, तो ये तो भोजनालय है। अच्छा, क्या लिखा तो हुआ है विद्यालय? क्या क्या मिलता है इसमें भाई? लिट्टी चोखा मिलेगा, दही चूड़ा मिलेगा, और आज उनको क्या कहते हैं उसको, गरम गरम तंदूर का रोटी मिलेगा। हम भोजन की नहीं पूछ रहे हैं, गरम गरम सिंगाड़ा चाहिए तो ये खा लो। भैया हम पूछ रहे हैं क्या गुरु जी का पाठशाला यही है? ये पाठशाला नहीं है, धर्मशाला है। तो क्या है ये? आपको सोने को चारपाई मिलेगा, तकिया मिलेगा, रजाई मिलेगा, गद्दा मिलेगा, और क्या? अरे भैया हम आपसे धर्मशाला की बात नहीं कर रहे हैं, गुरु जी का स्कूल यही है। स्कूल बिस्कूल मेरे बाप के बेटे यहाँ मुझे 9 दिन होने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर किसी समय की वाले ने मेरे लिए तो स्टूल ला के दिया नहीं, आपके लिए कहाँ से लेके आऊँ स्टूल? अरे भाई हम स्टूल की बात नहीं कर रहे हैं, गुरुजी विद्यालय में यही कराते हैं। अरे गुरुजी अंदर हैं। क्या हो गया? ओ गुरुजी। अरे इतना तेज मत रो, ये बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी लेकिन आप लोग नहीं बह गए, पाचा वाले सभी बह जाएंगे। कोई पता नहीं है हमको भी, बढ़ा दो आप गुरुजी। हाँ बताइए, आपके गुरुजी का मुझे याद दिला दिया। क्यों, क्या हो गया? गुरुजी अपनी बाइक से पटना जा रहे थे अपाचे से। अच्छा, वो गुरुजी रास्ते में ऊपर चले गए। कल ही तो हम विद्यालय करके गए थे, अरे शाम को चले गए। अच्छा, जा गुरुजी से जाके कह दो विद्यार्थी आना चाहते हैं। गुरुजी है ही नहीं है तो किसको कहूँगा। तो गुरुजी कौन है इस समय पाठशाला में? आइए गुरुजी, आइए गुरुजी। आप हो जी? जी गुरुजी की ये सदर
मेरे बाप के बेटे बेअकल वाले कहाँ से आ जाते हैं? अरे भाई जाओ आप गुरुजी से जाके बोल दो कि तुम विद्यार्थी। अच्छा ठीक है खड़े रहिए। गुरुजी आइए। गुरुजी आप सावधान हो जाइए। क्या हो गया भाई? आपने जितना राजा पाकर के अंदर माल खाया है वो सारा पेट आपका फूल गया है। बात हमने खाए ही कहा है। आज आपका पेट भरने के लिए तो पेट भरती आए हैं। अरे मूर्ख पेट भरती नहीं होंगे विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी दोनों को अंदर आने दो। अंदर आने दो 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 चार दो तो है छोटे से दो दो चार या छह सूचो को आप दो रुपए समय की वाले से ले लेंगे कोई बात नहीं। दो रुपए आप निकालिए और दो रुपए आप निकालिए चार आना। दो आना हमारी तरफ से, दो आना गुरु जी की तरफ से। अच्छा। और दो आना हमारे पापा जी की तरफ से जो हाथ लगा के बैठे हैं। इतने आनों का होगा क्या ये तो बताओ। होगा क्या? हाँ ये सिंगाड़ा से मेरा तबियत भर गया है, उल्टी खाने के लिए जाऊंगा। अरे भाई देखो गुरु जी ने कहा होगा उन्हें अंदर आने दो। अच्छा अपना नाम नोट कराइए। देखिए हमारा नाम है सुदामा। हमारा नाम है तुम्हारा नहीं हमारा। अच्छा आपका आपका नाम है सुदामा। तभी लगते हो मेरे इन बच्चों के मामा। किसी के मामा नहीं। तभी नहीं पहन के आए आप मेरा जैसा पायजामा। हम पीतांबर ही पहनते हैं। बच्चे पहनते हैं ना? नहीं नहीं रॉन्ग साइड। हिजूर आपका नाम? हमारा नाम है। हमारा नाम है। आपका नाम नहीं हमारा नाम है। आप ही का तो लिख रहा हूँ। हाँ हमारा नाम है श्री कृष्ण माखन चोर। श्री कृष्ण माखन चोर। हाँ